हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ योगा से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। दोस्तों, योगा से रिलेटेड थ्योरी सेशन में 5-6 वीडियो है मैंने, योगा के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया है। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के, योगा वाले प्ले लिस्ट में जाकर के उसके थ्योरी सेशन को देख सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज हैं। आप थ्योरी सेशन में जाकर के, प्ले लिस्ट में जाकर के हर एक चीज को टॉपिक वाइज एक एक चीज के थ्योरी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के 100 से ज्यादा वीडियो भी है उसको भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, चाहे UPTGT हो, UPLT ग्रेट हो, JVS NVS हो, MP TET हो, चाहे अदर स्टेट के किसी भी स्टेट का PGT PGT हो, सभी के लिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज आपके आपके लिए मेरे चैनल पे हैं। तो दोस्तों, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, समय न नष्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि धनुष यानी तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है। तो तीर कमान जैसी कौन से आसन में होता है, धनु आसन में। नेक्स्ट है, किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाता है। तो वो होता है दोस्तों चक्र आसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह यानी शेर के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है। दोस्तों, वो है सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आसन महान योगी मत्स्येन्द्र की देन है। तो वो है मत्स्येन्द्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है। तो अंजनेय आसन। नेक्स्ट है, किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान हो जाती है। तो वह होता है कुक्कुट आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की स्वाति हो जाती है। वह होता है मयूर आसन, या सौंदर्य वृद्धि के लिए आसन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है। तो वह है वीरासन। नेक्स्ट है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों, यह संस्कृत भाषा से हुई है, संस्कृत के युज शब्द से। नेक्स्ट है, योग संस्कृत की किस धातु से बना है। तो योग शब्द जो है वह संस्कृत की युज धातु से बना है। नेक्स्ट है, संस्कृत में युद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, संस्कृत में युद्ध शब्द का अर्थ है जोड़ना या गठबंधन करना, ये अपना ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो योग शब्द का अर्थ है, युद्ध धातु से बना है संस्कृत का, जिसका अर्थ है जोड़ना, गठबंधन करना या अपना ध्यान केंद्रित करना। योग का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है। संसारिक चीजों से मन को हटा करके आध्यात्मिक चीजों की ओर ले आना, गलत चीजों की तरफ से मन को हटा करके सही चीज को ले आना, बाहरी चीजों से मन को हटा करके अंदर की ओर मोड़ना, यही योग है। नेक्स्ट दोस्तों, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है, यह मोक्ष को प्राप्त करने का एक रास्ता है। नेक्स्ट है, भगवद गीता में किस योग पर बल दिया गया है। दोस्तों, तो योग कर्मसु कौशलम, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म ही योग है। तो यहाँ पे भगवद गीता में कर्म योग पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है, योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, योग का प्रमुख उद्देश्य है मन पर नियंत्रण करना। हर चीज का ही दुश्मन है मन। यदि मन नियंत्रण में है तो सभी चीजें आपके नियंत्रण में है, आप सभी चीजें अच्छे से कर लेंगे। तो योग का प्रमुख उद्देश्य है मन पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है, शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं। तो दोस्तों, योग के 8 चरण बताए गए हैं शरीर मन आत्मा की शुद्धि के लिए। तो महर्षि पतंजलि ने अपने पुस्तक योग सूत्र में शरीर मन आत्मा की शुद्धि के लिए 8 चरण बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। ये 8 चरण है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। अष्टांग योग के बारे में थ्योरी सेशन में जाकर के, योग वाले प्लेलिस्ट में जाकर के, इस वीडियो को देख करके सभी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी आसनों के बारे में, अष्टांग योग के बारे में जान लेते हैं। परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है? तो दोस्तों, जो पहला होता है यम, सामाजिक अनुशासन के लिए होता है। जो परहेज या बचाव के लिए होता है, इसके अंतर्गत पांच आते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये पांचों चीज सामाजिक अनुशासन यानी कि यम के अंतर्गत आते हैं, जो परहेज या बचाव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है यह सामाजिक अनुशासन, यम, यम को क्या कहते हैं? सामाजिक अनुशासन के नियम में क्या सम्मिलित है? तो यम के अंतर्गत मैं अभी तुमने बताई, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांच चीजें यम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सन्निहित है? तो दोस्तों, अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में स्वच्छता सन्निहित है। जैसा कि दूसरा होता है अष्टांग योग में, पहला यम होता है, दूसरा नियम होता है। यम को सामाजिक अनुशासन या परहेज या बचाव से संबंधित किया गया है। नियम में व्यक्तिगत अनुशासन आता है, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन को पवित्र करने हेतु क्या आवश्यक है? तो मन को पवित्र करने हेतु प्राणायाम आवश्यक है। प्राणायाम का अर्थ होता है सांसों पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आसन। जैसे कि आपने देखा कि अष्टांग योग में पहला है यम, जिसमें सामाजिक अनुशासन, परहेज या बचाव से संबंधित बातें बताया गया है, जिसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आता है। दूसरा नियम है, जिसमें व्यक्तिगत अनुशासन के बारे में बताया गया है, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वच्छता, ईश्वर परिधान, ये पांच चीजें हैं। तीसरा होता है आसन, जो शरीर मन, शरीर में स्थायित्व, मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष ऊर्जा में रखने को कहा जाता है। चौथा होता है प्राणायाम, जो श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है, जिसके अंतर्गत पूरक, कुंभक, रेचक तीन क्रियाएं आती है। पूरक में होता है सांस को अंदर लेना, और कुंभक में होता है सांस को कुछ देर तक रोकना, और रेचक में होता है सांस को बाहर निकालना। एंड दोस्तों, पांचवा होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार जो होता है, इंद्रियों को बस में करना ही प्रत्याहार है। यानी कि दुनिया की वस्तुओं को के पीछे भागने वाली इंद्रियों को बाधित कर उन्हें अंतर यात्रा की तरफ मोड़ना, बाहर से अंतर की तरफ मोड़ना इंद्रियों को, मन को, वही प्रत्याहार है। यानी इंद्रियों को बस में करना ही प्रत्याहार है। छठवां होता है धारणा, यानी कि एकाग्रता, यानी अपने इष्टदेव या स्वयं पर पवित्र मन से ध्यान लगाना ही एकाग्रता है। यानी कि मन को निश्चल भाव से किसी बात पे धारण करना या दृढ़ निश्चय करना ही एकाग्रता है। सातवां है ध्यान, जिसे साधना कहा जाता है। यानी जब व्यक्ति समय और सीमा के बंधन से मुक्त होकर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तब वह ध्यान या साधना कहलाता है। और समाधि क्या होता है? यह ध्यान की पराकाष्ठा है। ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है, यानी आत्म अनुभूति हो जाती है समाधि में। आठवां है आत्म अनुभूति समाधि, इसमें आत्म अनुभूति हो जाती है। इसमें व्यक्ति की पहचान आंतरिक और बाह्य रूप से ध्यान में खो जाती है। सुख दुख द्वैतता से मुक्त होकर सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है। यानी ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है। कहीं भी आ जाएगा कि ध्यान की पराकाष्ठा क्या है, तो समाधि है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आठों चरण के बारे में मैंने आपको डिटेल में थोड़ा बहुत बता दिया है। आज डिटेल में जानने के लिए आप थ्योरी सेशन को जरूर देखिए। नेक्स्ट है इंद्रियों को बस में रखने संबंधी योग का चरण है। दोस्तों, अभी मैं तुरंत बताई हूँ, इंद्रियों को बस में करने वाला चरण है आपका प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी मैं तुरंत बताई हूँ, ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है? तो अभी मैं जस्ट बताई हूँ कि ध्यान की पराकाष्ठा ही क्या है, समाधि है। तो ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है? समाधि में होती है। यह कर्म करने से संबंधित योग कौन सा है? दोस्तों, तो कर्म करने से संबंधित योग है कर्म योग। नेक्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने से संबंधित योग कौन सा है? तो शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने से संबंधित योग है हठ योग। यहाँ पे राजयोग दे दिया है, गलती है। ठीक है,
ये गलती होगा, हठ योग। शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने संबंधित योग है हठ योग, ठीक है। नेक्स्ट, मन के जागरण तथा केंद्रों को जगाने से संबंधित योग का क्या नाम है? तो मन के जागरण और केंद्रों को जगाने से संबंधित योग का नाम है राजयोग। नेक्स्ट है, मन को स्वच्छ रखने का योग कौन सा है? तो होता है मंत्र योग। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग कौन सा है? तो वह है लय योग। नेक्स्ट है, सघन भक्ति करने का योग कौन सा है? तो वह है भक्ति योग। नेक्स्ट है, धनात्मक शक्ति यानी सूर्य द्वारा प्रतीकात्मक एवं ऋणात्मक शक्ति यानी चंद्र द्वारा प्रतीकात्मक, इन दो शक्तियों का परस्पर मिलन है, तो इसी को हठ योग बोला जाता है। नेक्स्ट है, शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिससे शरीर को स्थायित्व और मन को ठहराव मिलता है? तो यह होता है आसन। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, योगासन करने का आदर्श समय कौन सा होता है? दोस्तों, हमेशा प्रातः का सबसे अच्छा समय होता है, लेकिन लोग सुबह और शाम मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में करते हैं, बट सबसे बेस्ट समय होता है आपका मॉर्निंग टाइम। नेक्स्ट है, पद का अर्थ क्या है? दोस्तों, पद का अर्थ होता है कमल, जैसे कि पद्मासन में कमल जैसा हम वो जिसम बना लेते हैं। नेक्स्ट, पद्मासन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्मासन को कमलासन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है, पूछा भी है कई बार। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को बहुधा किस आसन में दर्शाया जाता है? तो इनको बहुधा पद्मासन में आपको देख सकते हैं, कहीं भी इनका चित्र देखेंगे तो। नेक्स्ट, वज्रासन को कब किया जाता है? तो दोस्तों, वज्रासन को खाना खाने के बाद किया जाता है, एक ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, और सभी आसन खाना खाने के पहले किया जाता है, यानी कि खाना खाने के 3-4 घंटा बाद ही आप व्यायाम कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद कौन सा व्यायाम किया जाता है? तो वज्रासन। नेक्स्ट, किस आसन को दर्जी की सीट कहा जाता है? तो सुखासन। सुखासन को दर्जी की सीट कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है? तो दोस्तों, शवासन जो है वह सांस्कृतिक मुद्रा है। सांस्कृतिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं आपके जैसे ध्यानात्मक मुद्रा, जैसे होता है ध्यानात्मक मुद्रा एक सांस्कृतिक मुद्रा। दोस्तों, ध्यानात्मक मुद्रा में आपका आ जाएगा पद्मासन, वज्रासन एंड सुखासन। इसमें बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। एंड सांस्कृतिक मुद्रा में आता है समासन, हलासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, शलभासन, धनुरासन, ये सब आते हैं सांस्कृतिक मुद्रा में। नेक्स्ट है, अत्यधिक मानसिक तनाव या दिल की बीमारी के उपचार अथवा शरीर मन को आराम देने से संबंधित आसन है, तो वह है समासन। जैसे दोस्तों, खाना खाने के बाद करने वाला आसन है वज्रासन, उसी प्रकार सभी आसनों को करने के अंत में समासन किया जाता है। समासन को मृत्यु आसन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एकदम आराम से लेटा जाता है, हाथ पैर सभी चीजों को अंगों को शिथिल करके। नेक्स्ट है, किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है? तो वह होती है हलासन। नेक्स्ट है, सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा है? तो भुजंगासन है। दोस्तों, भुजंगासन जो आपके अस्थमा दमा के रोगियों के लिए विशेषकर लाभदायक होता है, गले के रोगियों के लिए। नेक्स्ट, कुंडलिनी यानी छिपी हुई शक्ति को जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा होता है? तो वह होता है भुजंगासन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा होता है? दोस्तों, वह होता है सर्वांगासन। नेक्स्ट, सर्वांगासन का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो वह संस्कृत भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट, किस आसन को सभी आसनों की जननी माना जाता है? तो सर्वांगासन को सभी आसनों की क्या माना जाता है? जननी माना जाता है। नेक्स्ट है, जिनके थायराइड में खराबी है एवं जो टॉन्सिल और गले के अन्य रोगों से पीड़ित हैं,
उनके लिए कौन उपयोगी आसन है, तो वह होता है सर्वांगासन। जैसे कि दोस्तों देखते हैं सर्वांगासन में कैसे होता है, ये आपका सर्वांगासन है, सभ्य शरीर आपको ऊपर की ओर चला जाता है, आपका हाथ भी ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक, हाथ आपका कोहनी ऐसे होता है, ठीक, ऐसे आपका आपका शरीर ऐसे होता है, तो यहाँ पे गले पे मेन रूप से दबाव पड़ता है। तो जो भी थायराइड के रोगी होते हैं एवं टॉन्सिल के गले के अन्य रोगों से पीड़ित होते हैं, उनके लिए सर्वांगासन अच्छा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है, तो वह होता है शलभासन। नेक्स्ट है तीर कमान जैसी धनुष जैसी मुद्रा से संबंधित कौन आसन होता है, तो धनुरासन। नेक्स्ट है किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है जिससे शरीर अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाता है, वह होता है चक्रासन। नेक्स्ट है सिंह यानी शेर के दहाड़ने वाले मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है, वह है सिंहासन। नेक्स्ट है कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है, वह है मत्स्यासन। नेक्स्ट है शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है, आंजनेय आसन। नेक्स्ट है किस आसन में शरीर की मुद्रा मुर्गे के समान हो जाती है, वह होता है कुक्कुट आसन। नेक्स्ट है कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है, वह है वीरासन। नेक्स्ट है नाभि परीक्षा के कितने आसन हैं, तो चार आसन है। नेक्स्ट है टीबी एवं दमा के मरीजों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है, तो सर्वांगासन है। अगर सर्वांगासन नहीं दिया रहेगा तो उसमें आपका भुजंगासन हो जाएगा, लेकिन जब सर्वांगासन दिया रहेगा तो हमेशा सर्वांगासन रहेगा। टीबी और दमा के मरीजों के लिए सर्वांगासन बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है पाइल्स के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी होता है, तो गोमुख आसन उपयोगी होता है। नेक्स्ट है मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है, तो यह धनुरासन और मयूरासन उपयोगी होता है। नेक्स्ट है हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है, तो दोस्तों शवासन, जो सभी आसन करने के बाद किया जाता है शवासन, एक रिलैक्स होने के लिए या हृदय रोगियों के लिए मन को आराम देने के लिए हृदय रोगियों के लिए बेस्ट आसन होता है शवासन और सिद्धासन। नेक्स्ट है सांस पर नियंत्रण, प्राणों पर काबू पाना, सांस का नियमन करना, ये सभी किसके अर्थ है दोस्तों, तो प्राणायाम के ये सभी अर्थ है। प्राणायाम का मतलब ही होता है सांस पर नियंत्रण करना, प्राणों पर काबू पाना। नेक्स्ट है प्राणायाम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं दोस्तों, तो प्राणायाम के मुख्य घटक तीन हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक जो होता है उसमें सांस को अंदर लिया जाता है, कुंभक में सांस को अंदर रोका जाता है एंड रेचक में श्वास को बाहर निकाला जाता है। तो पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम के तीन घटक हैं। नेक्स्ट है प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं, तो सांस अंदर लेने को पूरक बोला जाता है। नेक्स्ट है प्राणायाम में सांस बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं, तो प्राणायाम में बाहर श्वास छोड़ने को रेचक बोला जाता है। नेक्स्ट है प्राणायाम में सांस रोकने को क्या बोलते हैं, तो कुंभक बोला जाता है। नेक्स्ट है किस प्राणायाम में मस्तिष्क के उस भाग को उत्प्रेरित किया जाता है जहाँ जीवन शक्ति होती है, वह होता है सूर्यभेदी प्राणायाम, यानी जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है वो आपके लिए बेस्ट बेस्ट प्राणायाम है दोस्तों। आपके मन मस्तिष्क को अच्छा बनाने के लिए, एकाग्रचित बनाने के लिए, जीवन शक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए सूर्यभेदी प्राणायाम यानी कि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो बेस्ट है। नेक्स्ट है भौरे की गुंजन जैसा संबंधित प्राणायाम कौन सा है, वह है आपका भ्रामरी प्राणायाम। नेक्स्ट है प्राणायाम किन रोगियों के लिए उपयोगी होता है, तो जो प्राणायाम होता है वो सांसों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम है, तो यह है उच्च रक्तचाप वाला हो चाहे निम्न रक्तचाप वाला हो, इन दोनों के लिए प्राणायाम बेस्ट होता है। नेक्स्ट है योग का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना।
मेष्टा किस ग्रंथ में योग दुख की अवस्था से में मुक्ति की स्थिति कहा गया है? तो दोस्तों भगवद गीता में योग को दुख की अवस्था से में मुक्ति की स्थिति कहा गया है। मेष्टा किस महापुरुष ने योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है? योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, इस बात को कहे हैं महर्षि पतंजलि ने, जिन्हें योग का पितामह कहा जाता है, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की है। मेष्टा किस महापुरुष के अनुसार योग समाधि है? तो वेद व्यास के अनुसार योग क्या है? समाधि है। मेष्टा किस महापुरुष के अनुसार योग कामधेनु है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग कामधेनु है। इन सभी परिभाषाओं को आप याद कर लीजिए दोस्तों, एक 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 में एक परिभाषा जरूर पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज वहां पे मत होइएगा, एक एक नंबर आपके लिए माने रखता है। नेक्स्ट है, योग प्रक्रिया में कितने चरण है? योग प्रक्रिया में 8 चरण है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने अपने पुस्तक योग सूत्र में 8 चरणों को बताया है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 चरण है। नेक्स्ट है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो ये है महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट है, योग का प्रचलित रूप है अष्टांग योग। नेक्स्ट है, अष्टांग के पहले 5 अंग माने जाते हैं। तो दोस्तों पहले जो 5 अंग है वो बाह्य साधन माने जाते हैं, जैसे कि 8 साधन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये पांचों के पांचों बाह्य साधन माने जाते हैं। और जो 3 है धारणा ध्यान समाधि, ये तीनों आंतरिक साधन बोले जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, अष्टांग योग के पहले 5 जो अंग है वो वाय साधन, वाय साधन में कौन आएगा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये वाय साधन है। और लास्ट के 3 साधन जो है वह आंतरिक साधन कहलाते हैं, यानी कि धारणा ध्यान समाधि आंतरिक साधन है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये हैं, तो ये सभी क्या हैं? अष्टांग योग है। नेक्स्ट है, योग के 8 अभिन्न अंगों में से अंतिम 3 क्या माने जाते हैं? धारणा ध्यान समाधि अंतिम जो 3 है उनको आंतरिक साधन माने जाते हैं, और शुरुआत के 5 जो है वो बाह्य साधन माने जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो दोस्तों ध्यान से गिनिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यानी प्रत्याहार जो है अष्टांग योग का 5वां अंग है। नेक्स्ट है कि ये किस महापुरुष ने कहा है कि योग वह पुरातन ग्रंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश मिलाता है? तो इस बात को कहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो युग धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है? तो वेदांत के अनुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा को हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एक पार्ट और होगा आपका योगा का वन लाइनर क्वेश्चंस का, उसके बाद सभी खेलों से संबंधित वन लाइनर हम बताएंगे, उसके बाद हम बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे फिजिकल एजुकेशन की डेली बेसिस पे, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो मेरे चैनल पे जो रहिए बेहतरीन तैयारी के लिए, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।